एक ऐसी दीवानगी एक फिल्मी स्टार के लिए लोगों की। दोस्तों राजेश खन्ना का जिक्र यहाँ पे करेंगे। ऐसी दीवानगी थी उनके प्रति लोगों की कि लोग उनके पोस्टर पर बर्फ रखकर घंटों घंटों तक बैठे रहा करते थे। आखिर क्या था यह मामला, इस दीवानगी के किस्से के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पर चर्चा करेंगे राजेश खन्ना के स्टारडम के बारे में। छोटी सी कहानी है जिसको हम यहाँ पर आज जानेंगे। जो सबसे पहले सुपरस्टार हमारे इंडिया के अंदर हुए हैं वो राजेश खन्ना थे। उनको ही सबसे पहला सुपरस्टार होने का तमगा मिला था। दोस्तों उनकी दीवानगी ऐसी थी कि जहाँ से वे गुजरते थे लोग उनके पीछे भागने लगते थे, लड़कियाँ उनके पीछे भागने लगती थी, लड़के भी उनके पीछे भागने लगते थे। और ऐसी दीवानगी थी उनके पीछे, जहाँ से गुजरते थे वहाँ पर जाम लग जाया करते थे, लोगों का निकलना जाना मुश्किल हो जाया करता था। दोस्तों यह भी बताया जाता है कि राजेश खन्ना जब अपनी गाड़ी से नीचे उतरते थे और जब वापस गाड़ी पर जाते थे तो उनकी गाड़ी पर लिपस्टिक, लड़कियों के लिपस्टिक के निशान लगे हुए मिला करते थे, यानी कि लड़कियां किस किया करती थी उनकी गाड़ी को, इतना बड़ा उनका स्टारडम था। तो दोस्तों मैंने जो बताया कि उनके पोस्टर पर बर्फ लोगों ने रखकर और घंटों घंटों तक वहाँ पर बैठे रहे और लड़कियाँ उपवास करती रही, आखिर क्यों किया इन लोगों ने ऐसा। दोस्तों एक बार राजेश खन्ना को बुखार आ जाता है और सभी लोगों को पूरे देश में यह खबर फैल जाती है कि राजेश खन्ना को बुखार आया हुआ है। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ उनके पोस्टरों के ऊपर बर्फ़ रखकर घंटों घंटों तक वहाँ पर बैठे रहते थे कि इनका बुखार उतर जाएगा। दोस्तों ऐसी दीवानगी थी इस एक्टर के प्रति लोगों की। इतना बड़ा स्टारडम क्या आज के ज़माने में कोई सुपरस्टार, कोई हीरो क्या बना पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा उस समय पर जो राजेश खन्ना का स्टारडम था। और तो और जो एक्ट्रेस हुआ करती थी और जो एक्टर हुआ करते थे वो भी राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए तरसा करते थे। इस तरह की कहानी थी। और दोस्तों उसके बाद उनका दौर भी गया। दौर सबका आता है, सबका जाता है। और फिर अंत में सन 2012 में कैंसर से पीड़ित वह हो गए और फिर कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इन घटनाओं को मैं लेकर इसलिए लेकर आता हूँ, इन स्टोरीज को, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले। हम कितने भी ऊंचे हो जाएं, कितना भी बड़ा हमारा स्टारडम हो जाए, लेकिन अंततः हम हैं तो मिट्टी के ही, अंत तो हमारा भी निश्चित है। तो दोस्तों इसीलिए मैं यहाँ पर इन स्टोरीज को लेकर आता हूँ। संभल कर चलें। अगर स्टारडम होता है या किसी भी चीज़ में आप नाम कमाते हो तो कभी भी घमंड ना करें और कभी भी अपने ऊपर ऐसा ना इतराएं कि आप ही सब कुछ हैं और जो भी कुछ हैं वो आप ही हैं। दोस्तों यह संसार है, नश्वर है। यहाँ पर हर इंसान को नष्ट होना है, हर चीज़ को नष्ट होना है। संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये नष्ट होती रहती हैं और बनती रहती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।